यहाँ पे किसी को मूड स्विंग्स होते हैं, लोगों ने एक वो बनाया हुआ दिमाग कि अरे यार इसका तो रोज क्या ही है, हर बारी जब देखो सिर पकड़ के बैठ जाती है। के बाद एक मीटिंग कमेटी क्रिएट होती है, बनती है। उस मीटिंग में अगर आप खाली हाथ जा रहे हो बिना कुछ काम होमवर्क किए कि मैं कैसे लागू कराऊंगा, ये फिर तो उनकी बेवकूफी है। सेकंड चीज, दूसरी चीज जो है यहाँ पर बात ये आ रही है, आप बहुत आसानी से लिख देते हो कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन है। शायद आपने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक अपनी स्टेटमेंट दी थी, उस स्टेटमेंट में आप सपोर्ट कर रहे थे कि आपको मीटिंग में चाहे ना बुलाया बट आप सपोर्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल लीव को। फीमेल, अगर ये पॉलिसी यहाँ आई तो क्या ये मेरे फ्यूचर के ऊपर या मेरे नहीं बाकी सारी फीमेल्स के फ्यूचर के ऊपर कोई इफेक्ट डालेगी? क्या ये इस तरीके का कोई इम्पैक्ट तो नहीं लाएगी कि हमें आगे जब हमें प्लेसमेंट्स के लिए यहाँ कंपनीज आती हैं तो वहाँ पर हमें ना चूज़ किया जाए बल्कि मेन को ज़्यादा लिया जाए? नहीं समझते हैं, सोचते हैं कि मैं अकेला जाऊंगा, अपना प्रपोजल रखूंगा और वहाँ पे अपनी कमेटी में अपने ही मेंबर्स को अलॉट करवा के सोचूंगा कि अपने आप सब कुछ करा दूँ। यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन के ऊपर क्या बात आएगी? यहाँ पे एक ये पॉइंट उठाया जाता है कि हमारी हरासमेंट होगी या नहीं होगी। कॉन्डोनेशन फॉर्म साइन कर रहे हैं तो एक क्लर्क को क्या मैं अपनी डिटेल्स बताऊंगी कि मेरी मेंस्ट्रुएशन अब इस मंथ पे इस टाइम पे शुरू होगी? तो मेरी प्राइवेसी का क्या, एक लड़की की प्राइवेसी का क्या? मेंस्ट्रुएशन नाम पे लीव देके नहीं की बजाय एक उनको अलग से एक मेडिकल लीव दे दीजिए, जैसे उनको एक्स्ट्रा लीव मिलनी चाहिए। तो मेंस्ट्रुअल नाम से क्या प्रॉब्लम है आपको इससे? ये वो तो नहीं कि जो हमारा पैट्रियॉर्कल सोसाइटी में ये होता है कि पर्दा रखना है, उस पर्दे की वजह से, उस वजह से आप ये कह रहे हो कि नहीं आप मेडिकल के नाम पे ये लीव दे सकते हो, मेंस्ट्रुअल के नाम पे आप ये लीव नहीं दे सकते। जापान में 1947 में लागू हो गया, 1947 में तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। दो की मांग कर रहे हैं, वो अगले दो साल बाद कहेंगे कि हमारे हेल्थ सिस्टम बिगड़ चुका है, अब 5 दिन तक हम ज़्यादा बीमार रहते हैं, अब आगे 5 दिन की मांगेंगे। इनको अपना अपना फेस्ट मिल गया है, जिन्होंने बोला उन्होंने नहीं कराना दैट्स देयर विश, लेकिन फेस्ट मेरा भी होगा उनका भी। तो हम तो करा लेंगे अगर नहीं इम्प्लीमेंट हुई, या फिर उनको लगता है कि इस चीज़ से और उस चीज़ को एक रिलेशन आता है तो वो ना कराएं, हमने तो मना ही नहीं किया। नमस्कार, पीपल्स पर आपका स्वागत है। पंजाब यूनिवर्सिटी में इन दिनों एक मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है मेंस्ट्रुअल लीव का, और PUCSC के प्रेसिडेंट ने अपने मेन एजेंडा में इस मुद्दे को रखा था। और जब अब PUCSC की मीटिंग होती है अथॉरिटीज़ के साथ तो उस में PUCSC के बीच एक शार्प डिवाइड देखने को मिलता है मेंस्ट्रुअल लीव के मुद्दे को लेकर के। तो एक जिम्मेदार मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते पीयूपल्स ने एक डिबेट आज रखी थी जिसमें PUCSC प्रेसिडेंट जितेंद्र सिंह आने से मना कर चुके हैं, और अभी दीपक गोयत और यहां पर रणमीक जोत कौर हमारे साथ हैं, और PUCSC के ज्वाइंट सेक्रेटरी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, वो आउट ऑफ चंडीगढ़ हैं। तो चलो अभी बात करते हैं रणमीक जोत कौर और दीपक गोयत से। तो सबसे पहले तो पीयूपल्स पर आप दोनों का स्वागत है। हेलो, हेलो एवरीवन एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। रणमीक, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक इकलौती मेंबर हैं, फीमेल मेंबर हैं काउंसिल में, तो आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि वुमेन्स के इश्यूज़ को आप उठाएं, और मेंस्ट्रुअल लीव एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो सभी का ये उम्मीद है कि एक फीमेल मेंबर होने के नाते आप इस मुद्दे को सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ आप सबको बताना चाहती हूँ, मेंस्ट्रुअल लीव का मुद्दा उठाया गया बाय अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, बाय अ पर्टिकुलर पर्सन। जो अगर आपने एक मुद्दा उठाया गया है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास लॉजिकल फैक्ट्स होने चाहिए हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। सेकंड चीज़, दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर बात ये आ रही है, आप बहुत आसानी से लिख देते हो कि एक औरत ही एक दूसरी औरत की दुश्मन है। एक औरत एक दूसरी औरत के फ्यूचर को लेकर कंसर्न है। यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर कहीं पर भी लीव पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो रही है तो उस पॉलिसी के बेनिफिट्स भी होते हैं, लूप होल्स भी होते हैं। तो जब एक कमेटी में एक डिस्कशन में बैठा जाता है तो वहाँ पे हर एक एक चीज़ डिस्कस होती है। तो यहाँ पे बात ये नहीं है कि आप सपोर्ट कर रहे हो या नहीं सपोर्ट कर रहे, यहाँ पे बात एक कंसर्न की है कि एज अ फीमेल अगर ये पॉलिसी यहाँ आई तो क्या ये मेरे फ्यूचर के ऊपर या मेरे नहीं बाकी सारी
फीमेल्स के फ्यूचर के ऊपर कोई इफेक्ट डालेगी? क्या ये इस तरीके का कोई इम्पैक्ट तो नहीं लाएगी कि हमें आगे जब हमें प्लेसमेंट्स के लिए यहाँ कंपनीज आती हैं तो वहाँ पर हमें ना चूज़ किया जाए बल्कि मेन को ज़्यादा लिया जाए? क्या यहाँ पर कंपनीज ज़्यादा आएंगी या कम आएंगी? यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन के ऊपर क्या बात आएगी? यहाँ पर एक ये पॉइंट उठाया जाता है कि हमारी हरासमेंट होएगी या नहीं होएगी। हम कॉन्डोनेशन फॉर्म साइन कर रहे हैं तो एक क्लर्क को क्या मैं अपनी डिटेल्स बताऊंगी कि मेरी मेंस्ट्रुएशन अब इस मंथ पे इस टाइम पे शुरू होगी है? तो मेरी प्रिवेसी का क्या, एक लड़की की प्रिवेसी का क्या? तो वहाँ पर ये पॉइंट्स उठाए गए थे कि नो डाउट हर एक लड़की को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, एंडोमेट्रोसिस, ओवरियन सिस्ट, PMS, PMDD, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन पहले ये कोई क्यों नहीं बात कर रहा कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इन सब के लिए क्या कोई रेमेडी अवेलेबल है? क्या हम कोई मेंस्ट्रुअल क्लब क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर सके जहाँ पर जो प्रोफेशनल्स इस फील्ड में डील करते हैं वो इस चीज़ के रिलेटेड अवेयरनेस इंट्रोड्यूस कर सके? क्या इस तरीके की कोई रेमेडीज़ नहीं आ सकती कि कॉमन रूम इस्टेब्लिश हो सके? बल्कि कॉमन रूम की बात करी गई थी मीटिंग में, इन्होंने भी बात रखी, हमने भी बात रखी, और कल ही DSW सर के साथ दोनों ही गए थे और वहाँ पर यही बात रखी गई कि कॉमन रूम इस्टेब्लिश हो रहा है। अरे इन्होंने मेमोरेंडम भी दिया है। एंड सिमिलरली सैनिटरी नैपकिन्स का भी एक पॉइंट हमेशा से रखा गया है, उसके लिए वेल्डिंग मशीन्स भी करी गई है। हमारा यहाँ मुद्दा ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप किया जाए, क्योंकि हम लोग कंपेयर दूसरी कंट्रीज़ के साथ कर रहे हैं, जापान के साथ कर रहे हैं, वियतनाम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, पर हम वहाँ पर ये क्यों नहीं कंपेयर कर रहे कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या उस लेवल पर मैच कर रहा है? जापान में 1947 में लागू हो गया, 1947 में तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, एंड आज तक का ये रिकॉर्ड है कि अभी तक सिर्फ 0.9% लड़कियों ने वो लीव को लिया गया है, वो लिया है। एंड वियतनाम में 3 डेज लीव मिलती है पर मंथ, बट दे हैव केप्ट दिस सेंटेंस देयर कि अगर आप छुट्टी नहीं लोगे तो आपको एक्स्ट्रा पे मिलेगी। स्पेन में ये लागू है, लेकिन स्पेन में वहाँ पे ये बोला है कि जो भी लॉस होगा वर्क का वो गवर्नमेंट पे करेगी उस चीज़ का। तो क्या यूनिवर्सिटी उस चीज़ के लिए रेडी है? क्या जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ वर्क लॉस होगा, क्या वो लेक्चर, डेमो, प्रैक्टिकल वर्क जितना भी लॉस होगा तो उसका क्या हमें वो चीज़, क्या कोई ऐसे कोई सेशन इंट्रोड्यूस किए जाएंगे कि वो चीज़ दोबारा मिलेगी? क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि अब जैसे इंटर्नशिप्स होती हैं तो इंटर्नशिप्स में सपोज़ ये एक लीव इंट्रोड्यूस कराई गई, राइट, एंड उसके अंदर मोस्टली ये होता है कि 28 डेज का साइकिल होता है, एंड अगर 50% ऑफ गर्ल्स का सिंक हो गया, और जैसे हमारे डिपार्टमेंट में 80% लड़कियां हैं, इंटर्नशिप है, पेशेंट्स आते हैं, थर्ड ईयर से पेशेंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो काम कैसे होगा, उस चीज़ को कैसे टैकल किया जाएगा? एंड अगर स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को मिल गया, तो क्या टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ डिमांड नहीं करेगा? यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 12.5 ईयर्स एक एवरेज एज होती है जहाँ से लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन होनी शुरू हो जाती है। मिनिमम एज यूनिवर्सिटी में एंट्री करने की 17 है, तो वो 5 साल का क्या जब लड़की इमेच्योर होती है, उसे ये चीज़ की समझ नहीं होती, तो तब क्यों नहीं दी गई मेंस्ट्रुअल लीव? रणमिक, एज अ फीमेल काउंसिल मेंबर, मेरे हिसाब से अगर आप एक वूमेन की आवाज़ उठाते तो आपको ये आवाज़ उठानी चाहिए कि जो जैसे आप कह रहे हो कि 12 ईयर्स से वो साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तो आपको ये आवाज़ उठानी चाहिए कि स्कूल लेवल पर भी लड़कियों को इस तरीके की लीव का प्रोविज़न किया जाए, ना कि ये कि अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर ये हो रहा है या फिर गवर्नमेंट लेवल पर कोई गवर्नमेंट अपनी फीमेल जो उनकी एम्प्लॉइज़ हैं उनको ये दे रही हैं लीव, तो उसको आप अपोज करें। यहाँ पे एक बात वही तो मैं कह रही हूँ, बात ऑपोजिशन की नहीं है। आप वहाँ आए, आपने वहाँ बात रखी कि हमें हम लोग इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, ठीक है, आपके पास क्या उस पर्टिकुलर जिस यूनिवर्सिटी से इंस्पिरेशन ले रहे हैं आपके पास डॉक्यूमेंट है? आप एक लीव लेने आए हो, ठीक है, आप लीव पॉलिसी बनाने आए हो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लीव पॉलिसी कोई इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है। मैं सबको आपके चैनल के ज़रिए ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर सपोज़ इस मीटिंग में मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी हो भी गई क्लियर, तो ये पहले सेनेट में जाएगी, सिंडिकेट में जाएगी, अगर वहाँ पे ये चीज़ अप्रूव होती है तो लागू होएगी, अगर वहाँ पे भी ये रिफ्यूज़ होगी तो ये लागू नहीं होएगी। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे इस चीज़ पे ये चीज़ देखा जाएगा, ना ही कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, ना ही कोई लॉजिकल फैक्ट है। तो एक और क्वेश्चन, दूसरा जो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता था कि हम लोग लड़कियों को 60 लेक्चर्स पर सेमेस्टर प्रोवाइड करेंगे,
नहीं 60 लेक्चर्स, क्योंकि 12 डेज है ना पर सेमेस्टर, तो अगर हम ये माने चले कि एक दिन में 5 लेक्चर होते हैं तो 60 लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन था कि वो जो 60 लेक्चर्स का लॉस होगा वो कैसे टैकल किया जाएगा। तो यहाँ पे बात ऑपोजिशन की नहीं है, यहाँ पे बात कंसर्न की है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, एक लड़की का इफेक्ट हो रहा है उसका क्या, उसको कैसे किया जाएगा टैकल। वहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन उठाया गया है और उस चीज़ का आंसर अथॉरिटीज़ भी मांग रही है और मैं भी मांग रही हूँ। ओके रमनिक, अब मैं दीपक से जानना चाहूँगा। दीपक, एक महीने पहले शायद आपने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक अपनी स्टेटमेंट दी थी, उस स्टेटमेंट में आप सपोर्ट कर रहे थे कि आपको मीटिंग में चाहे ना बुलाया बट आप सपोर्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल लीव को, बट एक महीने में ऐसा क्या हुआ कि आप एकदम से, मतलब आपने पूरा ये सिनेरियो ही बदल दिया कि आप अपोज करने लगे मीटिंग में जा कर के? अगर आपने, सब लोगों ने उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप पढ़ के आए होंगे ढंग से उस लाइन को, मैंने लिखा था कि हमें इस बारे में कोई भी इंटीमेशन नहीं मिली है, हमें कुछ भी नहीं बताया गया, हमें कोई पॉलिसी के बारे में बताया गया। बट ठीक है, लड़कियों को दिक्कत होती है, हम आज भी मना नहीं कर रहे हैं और उस दिन भी नहीं मना किया था। मैंने सिर्फ उस दिन कहीं भी मेंस्ट्रुअल नाम का यूज़ नहीं किया था, मैंने कहा था कि लड़कियों को एक अलग से लीव देने का प्रावधान होना चाहिए। मैम, आप उस लाइन को अगर दोबारा भी पढ़ोगे, मैंने कहीं भी वहाँ वर्ड यूज़ नहीं किया है मेंस्ट्रुअल, मैंने कहा है कि वहाँ पे उनको लीव मिलनी चाहिए, ये एक अच्छा कंसेप्ट है, आप उनको अलग से लीव दीजिए। और कमेटी की भी बात कर रहे हो, मैंने कमेटी में भी ये आगे अपनी बात रखी थी कि आप इसको गर्ल्स को या ये मेंस्ट्रुअल के नाम पे लीव देके उनको वीकर शो कर रहे हो। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे बड़े बुजुर्ग, पुराने फ्रीडम फाइटर्स, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ी और लड़कियों को भी बाहर, घर से बाहर निकालने की लड़ाई लड़ी, आज वो हर जगह अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और आज ये ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रेसिडेंट साहब हमारे, ये चाहते हैं कि लड़कियों को हम एक ड्रॉबैक और एक वीकर सेक्शन दिखा के उनको घर बिठाएं दोबारा से। और मैं जो कह रहा था कि जो मैंने कमेटी में बात रखी, मैंने कहा था कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि लड़कियों को दिक्कत होती है, ऑब्वियसली होती है, तो आप इसको एक मेंस्ट्रुएशन नाम पे लीव दे के नहीं की बजाय एक उनको अलग से एक मेडिकल लीव दे दीजिए। जैसे कि एक सेमेस्टर में 5 मेडिकल लीव मिलती है एक स्टूडेंट को, तो अगर किसी लड़की को दिक्कत है तो आराम से वो अपना मेडिकल अप्लाई कर सकती है। उनको आप नॉर्मल मेल की जगह आप फीमेल्स को 10 मेडिकल लीव दे दीजिए, उससे भी ये चीज़ टैकल हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दीपक, फिर यहाँ पे आप कह रहे हो कि जो 5 मेडिकल लीव्स नॉर्मल स्टूडेंट को मिलती है उसमें आप वुमेंस की बढ़ा करके 10 मेडिकल लीव्स कर दीजिए, तो इसका बेसिस क्या है फिर? क्या उनकी जो वुमेंस हैं, जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं कैंपस में, उनके एकेडमिक्स को इफेक्ट नहीं होता? जैसा रमनीक ने कहा कि इसके साइड इफेक्ट भी हैं, मैं उन्हीं साइड इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हो कि जो आप फेवर में हो कि वुमेंस को एक्स्ट्रा लीव मिलनी चाहिए उनकी बायोलॉजिकल साइकिल्स की वजह से, ठीक है? तो जब उनकी बायोलॉजिकल साइकिल की वजह से उनको एक्स्ट्रा लीव मिलनी चाहिए, तो मेंस्ट्रुअल नाम से क्या प्रॉब्लम है आपको इससे? ये वो तो नहीं कि जो हमारा पैट्रियॉर्कल सोसाइटी में ये होता है कि पर्दा रखना है, उस पर्दे की वजह से, उस वजह से आप ये कह रहे हो कि नहीं आप मेडिकल के नाम पे ये लीव दे सकते हो, मेंस्ट्रुअल के नाम पे आप ये लीव नहीं दे सकते? देखिए, एक ये एक सोशल स्टिग्मा है, आप निकल रहे हो इससे, सोसाइटी हमें धीरे धीरे इस चीज़ से निकल रही है, लेकिन आपको फिर से उसमें घुसना है। आप ये मेरी एक स्टेटमेंट को मोल्ड करके कुछ भी बनाया जाओ, ये सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, बट आप लड़कियों से पूछना, वो चाहते हैं कि आप हमें इतना वीक क्यों समझ रहे हो कि हमें इस चीज़ के लिए लीव चाहिए, हमें और भी दिक्कत हो सकती है, हमें मेडिकल में और भी दिक्कत हो सकती है, तो हमें ओवरऑल लीव दे दीजिए। मैंने सर्वे किया था, मैंने अपने भी सारे स्टूडेंट से, हर एक वुमेन स्टडीज़ की या किसी भी डिपार्टमेंट से होगी, UIT, UICT, मैंने सब जगह पूछा था, वो कह रहे हैं कि हमें इस नाम से लीव नहीं चाहिए, हमें ये धब्बा नहीं चाहिए हमारे ऊपर कि हम इतने वीक हैं कि हमें उस चीज़ के लिए छुट्टी चाहिए। और जहाँ तक ये बात है कि आप छुट्टी दे रहे हो, अब छुट्टी से क्या होगा? अब छुट्टी आप लेते रहोगे, आज 2 की मांग कर रहे हैं, वो अगले 2 साल बाद कहेंगे कि हमारे हेल्थ सिस्टम बिगड़ चुका है, अब 5 दिन तक हम ज़्यादा बीमार रहते हैं, अब आगे 5 दिन की मांगेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की कौन बात कर रहा है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, इनको कैसे टैकल किया जा सकता है और ये सोशल स्टिग्मा कैसे ब्रेक किया जा सकता है? तो मैंने कमेटी में भी यही बात रखी थी कि आप हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक हॉटस्पॉट्स पर आप गर्ल्स कॉमन रूम बनाएं, वहाँ पे 2 बेड रखें, वहाँ पे हॉट वाटर बैग्स रखें, वहाँ पे आप जो नॉर्मल पेन किलर्स होते हैं वो रखें, जो थोड़ी बहुत ही गेम्स रखें, ताकि किसी भी लड़की को अगर वो उस दिन क्लास लगाने आई है, उसको दिक्कत आए, एकदम इमरजेंसी आए, वहाँ पे उसको पैड्स भी अवेलेबल हो, उसके लिए हॉट वाटर बैग्स हों, वो रेस्ट कर सके और नॉर्मल होने के बाद वो दोबारा से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। रमनीक, जैसे इन्होंने कहा कि मेंस्ट्रुअल की लीव जो लड़कियों को लगता है वो एक धब्बा लगता है कि मेंस्ट्रुअल के, वो लड़कियां वीक फील करती हैं इससे कि हमें मर्दों के तुलना में कम करके आंका जा रहा है, आपके इस पर क्या व्यू पॉइंट्स हैं?
देखो इसके ऊपर पॉइंट ये है कि अभी भी लेट्स कम टू द ग्राउंड रियलिटी कि अभी भी यहाँ पर जब आप जॉब लेने जाते हो ना, अगर आप मैरिड हो और अनमैरिड हो उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठाया जाता है, आपके पास कोई चाइल्ड है या नहीं है उस पर भी क्वेश्चन उठाया जाता है। तो नो डाउट क्वेश्चन उठाया जाएगा। अभी भी लोगों को ये नहीं पता कि मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंस क्या है। पहले इतना क्लियर होना चाहिए, किसी को ये भी नहीं पता कि मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंस क्या होता है। तो जब किसी को यही नहीं पता कि डिफरेंस क्या है तो क्या कोई आपकी हरासमेंट क्यों नहीं करेगा? जो मर्ज़ी है, हर एक इंसान को एक गट्स है। हम लड़कियों के अंदर हम बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम होती है, हम फिर भी भाग रहे हैं। सामने से वो लोग ये बोलेंगे तुम्हें तो छुट्टी मिल रही है तो अब तुम ये बात क्यों कर रहे हो। यहाँ पे किसी को मूड स्विंग्स होते हैं, लोगों ने एक वो बनाया हुआ दिमाग कि अरे यार इसका तो रोज़ क्या ही है, हर बारी जब देखो सिर पकड़ के बैठ जाती है। कोई ये नहीं समझता कि क्यों है। इतना आसान नहीं है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं, इतने डाइवर्स फील्ड से आते हैं, सब लोगों को पहले इस चीज़ के बारे में सेंसिटाइज किया जाए। ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। ये इतना आसान नहीं है कि हम लोगों ने बोल दिया कि मेंस्ट्रुअल लीव है, हरासमेंट नहीं होएगी। एक क्लर्क के पास जाऊँगी, अगले चलो सपोज़ एक दिन एक महीने क्लर्क के पास गई, इतने डेट्स थी, अगले महीने गई डेट्स चेंज होगी, तो क्लर्क पहले ऑब्वियसली वो देखेगा अरे पहले तो तेरी इतनी अब ये थी, तो क्या जवाब दूंगी। बहुत सारी मतलब इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मद्देनज़र रखना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन इन सब के साथ बहुत सारी चीज़ें आगे मतलब दिमाग में चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब टैकल करनी पड़ेगी, आपने अपना स्टैंड लेना पड़ेगा हर एक एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और मोर ओवर आप लोग ये भी देखो, ऐसे भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में जहाँ पे अटेंडेंस के नाम पे मार्क्स मिलते हैं, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन उठाया जाएगा कि क्या अगर एक लड़की ने मेंस्ट्रुअल लीव के लिए लिया तो क्या उसको वो मार्क्स मिलेंगे या नहीं। तो अगर उसको वो मार्क्स नहीं मिल रहे तो वो छुट्टी नहीं लेगी। ये सबको ये चीज़ बहुत क्लैरिटी पता होनी चाहिए कि जितने भी इश्यूज फेस होते हैं, जितने भी सिम्टम्स होते हैं, दे आर माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। एंड उसकी जो रेशियो है, जैसे आप माइल्ड से सिवियरिटी की तरफ जाते हो वो कम होती है। सिवियर में बहुत कम लड़कियाँ आती हैं, माइल्ड में सबको होता है, मेरे को भी होता है। रणमिक, आपने कहा कि अगर क्लर्क के पास जाते हैं, अगर मेंस्ट्रुअल लीव इंप्लीमेंट हो जाती है यूनिवर्सिटी में और एक लड़की क्लर्क के पास जाती है, क्लर्क उससे ये क्वेश्चंस करता है, तो आपको नहीं लगता आपको इंपावर किया है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कि आपको वीपी की पोस्ट पर बैठाया है? तो ये सब इरेगुलरिटीज़ को देखना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई क्लर्क, कोई अथॉरिटी अगर इस तरीके के क्वेश्चन हैरास कर रही है, ऐसे तो फिर अलग अलग लेवल्स पर लड़कियों के साथ हैरास होती है, फिर वो सब भी हटा दिए जाने चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो 5 मेडिकल लीव्स की वो बात कर रहे हैं दीपक, कि 5 मेडिकल लीव्स एक्स्ट्रा जानी चाहिए, उससे भी तो एकेडमिक्स इफेक्ट होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वही तो बात है कि ये जो पॉलिसी है इसके ऊपर बात बहुत बाद में होगी। पहले बात ये होगी कि अवेयरनेस क्रिएट करनी ज़रूरी है, सोशल स्टिग्मा को रिमूव करना ज़रूरी है। बात ही यही है सारी कि जितना भी सोशल स्टिग्मा, इन सारी चीज़ों को रिमूव करो। जब आप इस स्टैंडर्ड पर पहुँच गए हो कि हाँ अब ये चीज़ ये प्रॉब्लम फेस नहीं होएगी, तो आप इंट्रोड्यूस करो। सेकंड चीज़, यहाँ पर उन्होंने बोला 5 मेडिकल लीव पॉलिसीज़, उसके अंदर नंबर ऑफ़ लेक्चर्स कितने हैं? 5 × 5 = 25 लेक्चर्स और 60 लेक्चर्स, लुक एट द वेरिएशन। मतलब वो भी उनकी मर्जी है, हाँ। अगर उनको दिक्कत हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक इन्होंने केरला यूनिवर्सिटी और अलग अलग यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया है, आप केरला यूनिवर्सिटी के मॉडल को अगर पढ़ के आओगे, उन्होंने जो मेंस्ट्रुअल लीव पे लागू किया है, शायद उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने ये किया है कि 75% बेसिक क्राइटेरिया ऑल ओवर हर स्टूडेंट्स के लिए, लड़कियों को उन्होंने ये रिलैक्सेशन दिया है कि आप 73% आपके लिए एलिजिबिलिटी है। अगर आपने NSUI की लागू की हुई या प्रपोज की हुई पॉलिसी को पढ़ा है, आई होप आपने पढ़ा होगा, उस पॉलिसी में इन्होंने लिखा है कि हम एक सेमेस्टर में 12 लेक्चर देंगे और उसमें भी मंथली की एक कैपिंग है कि आप हर मंथ दो दिन की अटेंडेंस अवेल कर सकते हो। और उस चीज़ के लिए भी आपको हर महीने वो दो अवेल करने के लिए आपको हर महीने एक कॉन्डोनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और उसमें आपको मेंस्ट्रुएशन का वो टिक करके हर महीने आपको ऑफिस में वो फॉर्म जमा कराना पड़ेगा, तब आपको वो दो दिन की लीव
आपको मिलेगी। आप ये देखिए कि आपको हर महीने दो दिन के लिए, मतलब ये कह रहे हैं कि हम ये दिलाएंगे लेकिन ये कैसे दिला रहे हैं, ये तो कुछ कुछ भी नहीं बता रहे, ये तो कोई तो कोई दीपक फिर आप क्या इनिशिएटिव ले रहे हो, ना ही आप इस लीव के फेवर में ढंग से कह रहे हो, ना ही अपोज कर रहे हो। आपका मतलब स्टैंड डिप्लोमेटिक सा स्टैंड है कि हाँ मिलनी मेंस्ट्रुअल लीव मिलनी चाहिए, बट वो मेडिकल लीव के नाम पर मिलनी चाहिए, और अगर ये मिलती है तो उनका जो है वो जो इस तरीके से वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वही तरीका ही गलत है। तो आप कोई तरीका प्रपोज कर दीजिए, बोलने का अधिकार तो मीटिंग में आपको भी है। अगर PUCSC के प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी कुछ अलग फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो आप दोनों के पास भी तो अथॉरिटी है बोलने की, आप बोलिए, आप कोई अपना फॉर्मूला लेकर के आइए इसके लिए। आपने ध्यान से सुना नहीं शायद, मैंने स्टार्टिंग से कहा है, हमने मीटिंग में अपनी बात रखी है, मैंने भी और रणवीर भी, लेकिन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज की बात की है कि आप इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं कि ताकि लड़कियों को दिक्कत ना आए, ना कि उनको एक अलग से चीज़ देने की ताकि वो अलग से एक सेपरेट फील करें। एक तरफ हम इक्वालिटी की बात करें, एक तरफ उनको हम दिखा रहे हैं कि आपको अलग से ज़रूरत है थोड़े दिनों की। मीटिंग में हमने बात रखी है कि आप गर्ल्स कॉमन रूम बनाएं, जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंसो ने लास्ट ईयर भी, हम दो साल से इस पर काम कर रहे हैं, हमने लास्ट टू लास्ट ईयर ULS से पैड वेंडिंग मशीन इंस्टॉल करवाना स्टार्ट किया था, और लास्ट ईयर भी हमने 12 पैड वेंडिंग मशीन्स गिफ्ट की थी यूनिवर्सिटी को, और वो हर एक डिपार्टमेंट में लग रही हैं, हॉस्टल्सों में लग गई है। और इस साल भी मैंने कमेटी में यही प्रपोजल किया था, या तो आप लगवा दीजिए, अगर आपको दिक्कत आती है तो वी आर रेडी टू हेल्प यू, ताकि लड़कियों को दिक्कत ना आए कहीं भी। अगर कहीं भी आप देख लीजिए, आप स्टूसी पे, हम दोनों ने डीन सर से बात की थी, स्टूसी पे एक गर्ल्स कॉमन रूम बनना तैयार हो गया है, आप जाके देख लेना। अभी भी वहाँ पे दो बेड रखे जाएंगे, एक पैड वेंडिंग मशीन्स रखी जाएंगी, हॉट वाटर बैग्स रखे जाएंगे, और दवाइयाँ अगर जो भी बेसिक किसी को लेनी होगी वो सब मिलेगा, ताकि किसी भी लड़की को अगर चलते फिरते या फिर नॉर्मल डेज पे कोई दिक्कत आए तो वहाँ जाके अपना रेस्ट कर सकती है। रणमीक, आप एक इकलौती फीमेल मेंबर हो PUCSC की, तो आप क्या, आपने अब तक क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं वुमेंस को लेकर के या वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए कैंपस में? देखो, सबसे पहले तो एक बेसिक जो नीड होती है ना, सैनिटरी नैपकिन्स की इन एंड मेडिकल बॉक्सेस, ठीक है, वो बहुत सबसे बेसिक नीड होती है, वो सिर्फ विमेन के लिए नहीं, वो मतलब अगर मेडिकल बॉक्सेस देखा जाए वो मेन के लिए भी ज़रूरी होती है। तो वो एक पॉइंट था जो मैंने रखा गया था, मैंने डीन मैम से बात की थी और डीन मैम ने उस चीज़ का नोटिस सारे डिपार्टमेंट्स में निकलवाया हुआ है दैट इट इज़ कंपल्सरी, एंड उस चीज़ का जो नोटिस का लेटर है वो भी है सबके पास, ठीक है। तो एक वो पॉइंट हम लोगों ने रखा है। सेकेंडली, अभी कॉमन रूम के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा मैं इवन ये एक पॉइंट भी रखना चाहूँगी, थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक बोल रही हूँ, आई वुड रियली लाइक टू टेल दिस पॉइंट कि द प्रोफेशन फ्रॉम विच आई एम कमिंग, आई एम कमिंग फ्रॉम अ डिपार्टमेंट जहाँ पे 80% लड़कियाँ हैं, टाइमिंग 9 to 5 है, और हफ्ते में 5 दिन की वर्किंग की जगह 6 दिन वर्किंग है, ठीक है, और वहाँ पे, और ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क है, जहाँ पे आपको एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा खड़ना भी पड़ता है, बैठना भी पड़ता है। एंड सबसे आयरोनिकल बात ये है कि इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम है लड़कियों का रेशियो, और डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेशियो लड़कियों का है, और डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे इवन आपको रात को 10 बजे 12 बजे भी कॉल करके बुलाया जा सकता है, लेकिन लड़कियाँ फिर भी उस प्रोफेशन में चूज़ कर रही हैं जाने को। लड़कियाँ फिर भी ये चूज़ कर रही हैं कि हमने आर्मी में जाना है, लड़कियाँ लड़ रही हैं कि हमें एग्ज़ाम दिया जाए, और ये जो लड़ाई है वो भी अभी अभी, मतलब हमें थोड़ी बहुत ही जो एक है ना, आज का दिन ही है रिपब्लिक डे, वी हैव द फर्स्ट एवर यू नो द ट्राई सेना विच हैज़ बीन लेड अ परेड बाय द विमेन, एंड NDA में लड़कियों की जो भर्ती है वो अभी अभी शुरू हुई है। तो रणमीक, मैंने आपके काम के बारे में क्वेश्चन किया था यहाँ पे। हाँ जी, मैंने अपने आपके दो मेन काम है वुमेन के बारे में वो ज़रूर बताएं, और बाकी जो मेन काम है कि एक लड़की को जो एक मेंटल सपोर्ट है वो मिलनी चाहिए, और वो हम दे रहे हैं। और एक ये पॉइंट मैं ज़रूर रखूँगी, क्योंकि हम सब लोग प्लेसमेंट के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बात ज़रूर कर रहे हैं ना, एक दिमाग में मेरा क्वेश्चन है कि हम एक पॉइंट पे बोलते हैं साइकोलॉजिकली, इफ़ यू फील लोनली, है ना, इफ़ यू फील कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे, आपको गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है, आप अपने दोस्तों से बात करो, आप मिलो जुलो। तो मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि अगर हम मेंस्ट्रुअल लीव दे के ये बोल रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल लीव दें, तो उसका मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा?
मेरा आप दोनों से ही क्वेश्चन है कि PUCSE के जो प्रेसिडेंट है जितेंद्र सिंह, उनका साफ साफ कहना है कि हम सबसे पहला हमारा एजेंडा है मेंस्ट्रुअल लीव को लागू करवाना, जो उनका मेन जो वो इलेक्शन एजेंडा भी था, उनका मैनिफेस्टो का मेन पॉइंट वही था। तो वो कह रहे हैं कि जब तक वो नहीं इम्प्लीमेंट होगा तब तक वो बाकी काउंसिल के काम नहीं होने देंगे, यानी कि बाकी सारे प्रायोरिटीज़ उनकी बाद में है। तो आप कैसे देखते हो, आपका काम इससे इफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब वो तो पता नहीं कल क्या कहेंगे, अब फेस्ट तो उनके भी आ रहे हैं। अब मैं उनको कह देता हूँ कि हम दोनों तो फेस्ट करवा रहे हैं, इनका शेड्यूल्ड है 14-15 फेब को, हमारा मार्च के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो देख लेते हैं, अगर इम्प्लीमेंट होगी तो हम तो करा लेंगे, अगर नहीं इम्प्लीमेंट हुई या फिर उनको लगता है कि इस चीज़ से और उस चीज़ को एक रिलेशन आता है तो वो ना कराएं, हमने तो मना ही नहीं किया। वो उनके फेस्ट हैं, उनके फंक्शंस हैं, हमारी मीटिंग हो चुकी है, उसमें डिसाइड हो चुका है कि किस किस को क्या क्या मिला है। हम उसमें सारे काउंसिल के ARDR के और अपना सबके साइन हो चुके हैं, डीन सर के, डीन मैम के, सब डिसाइड हो चुका है कि किसको क्या क्या अलॉटेड है। तो उनको अगर लगता है कि उनका काम, उनके मैनिफेस्टो या फिर उनका प्रोपोगेंडा नहीं पूरा हुआ और इससे वो फेस्ट नहीं कराएंगे, उससे बच्चों का भला हो जाएगा, तो ना कराएं, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। सेम क्वेश्चन आपसे। देखो, मैं बहुत क्लियर है कि जो फेस्ट हैं वो उसकी मीटिंग हो चुकी है, सबको अपना अपना फेस्ट मिल गया है। जिन्होंने बोला उन्होंने नहीं कराना, दैट्स देयर विश, लेकिन फेस्ट मेरा भी होगा, उनका भी होगा, तो जो हम लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड है हम वो करेंगे। ये चीज़ अलग चीज़ है और वो चीज़ बहुत डिफरेंट है। हम इस चीज़ से ना उन जो 18,000 स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली हैं, उनके लिए कल्चरल फेस्ट होता है, हम इससे बाकी बच्चों को अफेक्ट नहीं कर सकते। एक ये एक अलग मुद्दा है, ये एक उनका पॉलिटिकल मुद्दा है, और ये बच्चों के स्टूडेंट्स का हक है कि उन्हें कल्चरल फेस्ट मिले, उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, उनको इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने का मौका मिले, ताकि वो अपने अपने CVs में ऐड कर सकें, उन्हें एक एक्सपीरियंस मिले, ताकि आने वाले टाइम में अगर कंपनियों में अगर वो इंटरव्यू देते हैं, प्लेसमेंट सेल में बैठते हैं, प्लेसमेंट में बैठते हैं, तो उनको फ़ायदा मिले, ताकि उनके पास कोई स्किल्स है और उनकी प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी दे सकते। एंड मैं इवन ये भी बोलूँगी, उन्होंने अभी बात करी है, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, मैं ज़रूर एक चीज़ बात बोलूँगी, जो एक्चुअली में करना चाहता है ना कि हाँ पॉलिसी लानी है, कोई भी इंसान ऐसे खाली हाथ उठा के नहीं आएगा कि मेरे पास, मैंने एक टॉपिक उठाया, उठाता बस मैं ये दिमाग में सोच के आ गया कि आज क्या आज होगा, और अगर पूछा जाए कि आपके पास क्या है तो आपके पास कुछ नहीं है। तो जिसने करना है ना वो सब चीज़ें के साथ प्रिपेयर रहेगा, वो हर एक क्वेश्चन के साथ एक लॉजिकल फैक्ट प्रेजेंट करेगा। पार्लियामेंट में बिल जब आता है तो उसमें ऑपोजिशन भी होती है, उसमें फेवर भी होती है, क्योंकि हर एक चीज़ का एस्पेक्ट डिस्कस होता है। अगर आप 8 महीने से एक चीज़ के पीछे पड़े हुए, अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ है ये करना है, और एक मीटिंग इतनी जंगो के बाद एक मीटिंग कमेटी क्रिएट होती है, बनती है, उस मीटिंग में अगर आप खाली हाथ जा रहे हो बिना कुछ काम होमवर्क किए कि मैं कैसे लागू कराऊंगा, ये फिर तो उनकी बेवकूफ़ी है, हमारी गलती। तो इसमें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि जब वो ये मुद्दा उठा रहे हैं, या कोई प्रेसिडेंट जितेंद्र ने कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया कि आप चारों काउंसिल मेंबर और इलेक्टिव DR जो पूरी PUCSE है उसको बैठा करके पहले मिनिस्टर लीव पर सबके व्यू पॉइंट्स दिए जाएं, या आपने कोई इनिशिएटिव लिया हो इसको लेकर के आप दोनों में से? जी नहीं, उन्होंने हमसे कोई ऐसी बात नहीं की है, वो अपने आप को वन मैन आर्मी समझते हैं, सोचते हैं कि मैं अकेला जाऊंगा, अपना प्रपोजल रखूंगा और वहाँ पे अपनी कमेटी में अपने ही मेंबर्स को अलॉट करवा के सोचूंगा कि अपने आप सब कुछ करा दूँ, अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पूरा कर लूँगा। तो ये उनकी गलत फहमी है। मतलब आप लोगों की स्टेटमेंट से तो ऐसा लग रहा है कि काउंसिल में बिल्कुल भी तालमेल से आप लोग नहीं चल रहे हो अब तक, तो इसी तालमेल की वजह से दीपक कहीं ना कहीं देखा जाए जो आगाज़ फेस्ट, जो आप बाकी कल्चरल फेस्ट का आगाज़ होता था यूनिवर्सिटी में, हर साल सबसे पहले होता था, और इंसो का सबसे पहला फेस्ट, इंसो मतलब ज़्यादा पॉपुलर, उसी के लेकर के काफ़ी मतलब तैयारियाँ होती हैं इंसो की तरफ से, तो आपकी पार्टी अभी आगाज़ फेस्ट ऐसा तो नहीं कि जो आगाज़ होता था वो सबसे लास्ट में ही चला जाए? देखिए, जैसे कि मैं बता दूं, मेरे ऑफिस में, आप अभी मेरे साथ चल पड़े ना ऑफिस में, सितंबर में इलेक्शन ख़त्म हुए थे, नवंबर के डेट की मेरे पास एप्लीकेशन रखी है, मैम वो दिसंबर में मैंने दोबारा से दी, नवंबर में दोबारा से दी कि प्लीज़ सर मीटिंग अटेंड करा, मीटिंग एक ऑर्गेनाइज़ करा दो ताकि हम फेस्ट करा लें। लेकिन हर एक मीटिंग में पता नहीं क्यों, उनका क्या पर्सनल रीज़न है, प्रेसिडेंट हमेशा ही अनअवेलेबल रहा, मैं बाहर हूँ, मेरे को इनसे मिलने जाना है, मेरे को उन नेता से मिलने जाना है, मेरे पास फ्री टाइम नहीं है, तो उन्हीं की वजह से शायद, क्या पता वो अपना प्रोपोगेंडा पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो सोच रहे थे कि इनको भी कुछ ना करने दूँ। और जैसा कि उन्होंने अभी ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दी है कि जब तक मेरा नहीं होगा मैं किसी का कुछ नहीं होने दूंगा, तो ये तो ज़्यादा सेल्फिश होने वाली बात है उनकी। कुछ और? नहीं, मैं
तो मैं एक चीज़ और स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको 25% की रिलैक्सेशन वैसे ही मिलती है कि आपको 75% क्राइटेरिया है आपकी रोल नंबर को एलिजिबल होने के लिए, रोल नंबर के लिए। और अलग से एक डिपार्टमेंट में कमेटी होती है, जॉइंट कमेटी, आप उसमें अपना कॉन्डोनेशन फॉर्म व्हाटएवर जो भी रीज़न दे के आप दो, 10% आप चेयरपर्सन के पास पावर होती है, आप उनसे कंडोन करा सकते हो। वो उसके लिए आपको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। तो बचगी 65%। आप 65% से ऊपर आपको जो 35% रिलैक्सेशन मिल रही है वो इसी चीज़ के लिए दी हुई है कि कोई भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस होंगे आप उनको टैकल कर सको और अपनी पढ़ाई को भी ना डिस्टर्ब करो, कलेक्टिवली आप सब चीज़ों को अच्छे से वर्क कर पाओ। अब ये चीज़ कोई नहीं बता रहा। अब इसके भी बाद अगर आप ये इम्प्लीमेंट हुई, आपको 15% 10-15% की रिलैक्सेशन मिली, आपकी डिग्री रह जाएगी 50% पे। अब आप ये बताइए, आने वाले प्राइवेटाइजेशन बहुत बढ़ रही है, अब आने वाले टाइम में कौन सी कंपनी आपको 50% अटेंडेंस की डिग्री के साथ आपको प्लेसमेंट के लिए बैठने देगी या फिर प्लेसमेंट के लिए यूनिवर्सिटी में आएगी। हम एक तरफ तो प्लेसमेंट सेल को एक्टिव कराने का हम काम कर रहे हैं, तो एक बात बताइए इस चीज़ से कितना इफेक्ट पड़ेगा एक मल्टीनेशनल कंपनीज पे कि इन पे तो अभी से लीव मांग रहे हैं, तो आके हमारी MNCs में तो ये क्या हम पे वर्क स्पेस में कितना फ़र्क पड़ेगा। तो प्लीज़ लड़कियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ आप इनके प्रोपेगेंडा से साइड हट के अपने फ्यूचर परस्पेक्टिव पे इस चीज़ को सोचिए कि इस चीज़ का आपके ऊपर या आपके फ्यूचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंड मैं भी एक बात ज़रूर रखना चाहूँगी, ये जो पॉलिसी है अगर ये आएगी तो इसके अंदर बहुत सारे एक पॉइंट्स जो आ रहे हैं सबके दिमाग में ये आते हैं कि इसका चेक इन कैसे होगा, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, सारा मुद्दा ही इस पे है। और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके साथ बहुत सारे लूप होल्स अटैच्ड हैं, ठीक है, और वो जो लूप होल्स हैं उस चीज़ को क्लियर करने के लिए, बेटर करने के लिए पहले अवेयरनेस की ज़रूरत है। एंड मैं ये बात ज़रूर रखनी चाहूँगी कि नो डाउट लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो एक लड़की को एग्ज़ाम के टाइम पे होती है, हम ये बोलते हैं ना एक हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं एक स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं, तो जब स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस पर फ़र्क पड़ता है, आपकी जितने भी सिम्टम्स हैं दे गेट एग्रीवेटेड, दे नेवर सप्रेस। तो एग्ज़ाम के टाइम पे तो ये सबसे ज़्यादा होता है, तो क्या ये एग्ज़ाम के टाइम पे एक लड़की मेंस्ट्रुअल लीव अवेल कर सकती है या नहीं, एक इस पर क्वेश्चन उठाया गया था, राइट। तो मीटिंग में उसमें ये बोला गया था कि नहीं वो नहीं करेगी, तो फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि क्या एग्ज़ाम के टाइम पे एक लड़की को प्रॉब्लम नहीं होती। तो पहले खुद फैक्ट्स के साथ क्लियर होना चाहिए, अगर आपने लाना है इंट्रोड्यूस करना है तो अपने फैक्ट्स के साथ क्लियर रखो। और दूसरी बात मैं हर लड़की को यही बोलूँगी, इट्स एक्चुअली बिकमिंग मोर ऑफ अ पॉलिटिकल एजेंडा। पॉलिटिकल एजेंडा कैसा है, कंट्रोवर्सी है, हो गया तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बस अगली बार इलेक्शन में हम ये बोलेंगे देखो ये लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, ये लोग ऐसे कर रहे हैं। इमोशनली सोच ना, इमोशनली सिर्फ इमोशनली मत सोचो, प्रैक्टिकली भी सोचो। ओके, तो ये थे हमारे साथ PUCSC की वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी दीपक गोयद। तो अभी आप लोगों ने देखा कि इन दोनों ने इसे पॉलिटिकल एजेंडा करार दिया है PUCSC के प्रेसिडेंट का, और ये इम्प्लीमेंट होती है या नहीं ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु इस जो ये PUCSC में डिवाइड हुआ है इसकी वजह से यूनिवर्सिटी के जो फेस्ट हैं स्टूडेंट्स के बीच में ये जो कंसेंसस बन रहा है कि इस वजह से ये फेस्ट जो है वो डिले हो रहे हैं, तो आने वाला टाइम ये बताएगा कि ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है या नहीं। परंतु अभी ये एक अच्छी बात ये भी है कि हम सभी लोग स्टूडेंट्स और मीडिया के जितने भी हमारे साथी हैं वो सारे मेंस्ट्रुअल लीव जैसे इश्यूज को, वुमेन के इश्यूज को रेज कर रहे हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आप लोग पीपल्स के साथ बने रहिएगा, और हाँ ज़रूर अपने व्यूज़ भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा कि आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।